है गाइस, दिस इज ट्रिकी धर्मेंद्र यूट्यूब चैनल। तो बेसिकली गाइस आज हम बात करने वाले हैं हम लोग किस तरह से ईपी लेटर का जो बैलेंस है कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं अपने बैंक अकाउंट में, साथ में किस तरह से क्रेडिट कार्ड का मनी ट्रांसफर कर सकते हैं अपने बैंक अकाउंट में। तो पूरे स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूं मैं इस वीडियो में। तो गाइस ये बता दूं कि ये वीडियो जो बनाया जा रहा है वीओडी के ऊपर बनाया जा रहा है। इस वीडियो का एक डिमांड आया था कि सर कोई भी एक वीडियो बनाए जिसमें हम लोग क्रेडिट कार्ड का मनी ट्रांसफर कर सकते हैं अपने बैंक और में, साथ में ईपी लेटर का भी मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो पूरे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूं इस वीडियो में। उससे पहले गाइस अगर आपसे चैनल पर नए आए हैं जो सब्सक्राइब कीजिए गाइस, जाते जाते वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा ताकि आपके कलेक्शन को एक मोटिवेट मिलता है, जो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चलो गाइस चलते हैं मेरे स्क्रीन पे और देखते हैं हम लोग किस तरह से क्रेडिट कार्ड का मनी ट्रांसफर करते हैं अपने बैंक अकाउंट में, साथ में ईपी लेटर का भी यूज करते हैं अपने क्रेडिट कार्ड का मनी ट्रांसफर करने में। सो गाइस मैं फाइनली आ चुका हूँ अपने मोबाइल के स्क्रीन पे। गाइस आपको क्रेडिट कार्ड का मनी ट्रांसफर करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन का जरूरत पड़ेगा जिसका नाम है पेज वेब सेट। तो फाइनली आप पेज वेब सेट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत सारा इस एप्लीकेशन के ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, जो कि इसमें भी ईपी लेटर अकाउंट का जो मनी ट्रांसफर करने के लिए हम लोग इसको यूज करते थे, बट बीच में फिर से बंद कर दिया गया था। तो गाइस मैं अभी स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने वाला हूँ किस तरह से हम लोग क्रेडिट कार्ड का मनी ट्रांसफर करेंगे इस एप्लीकेशन से, जो कि नया अपडेट आया है। जो कि इससे पहले एक अपडेट आया था वो बंद कर दिया गया था, फिर से एक अपडेट आया जो कि अब भी फिर से आपको ट्रांसफर भी कर सकते हैं, जो कि मैं आप सबको लाइव दिखलाने वाला हूं कि किस तरह से आप सब इस एप्लीकेशन से क्रेडिट कार्ड का मनी ट्रांसफर कर सकते हैं और साथ में ईपी लेटर अकाउंट का भी मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो गाइस आप लोग पूरा इस वीडियो के देखिए तभी आप लोग को समझ में आने वाला है। तो गाइस सबसे पहले आप इस एप्लीकेशन को जब ओपन कर लेंगे तो आप फाइनली आप स्टार्ट सेल पे आप क्लिक कर दीजिए। चलो फाइनली मैं स्टार्ट सेल पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद आपको जितना भी अमाउंट ट्रांसफर करना है वो अमाउंट इधर आप डाल दीजिए। उसके बाद मैं फाइनली मैं कलेक्ट पे क्लिक कर दीजिए। कलेक्ट पे क्लिक करने के बाद गाइस इधर देख पाएंगे एक ऑप्शन आपको मिलने वाला है इधर लिंक पेमेंट का। तो फाइनली आप इस लिंक पेमेंट पे आप क्लिक कर दीजिए। चलो फाइनली मैं इस लिंक पेमेंट पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद इधर गाइस क्या होता था, इससे पहले हम लोग डायरेक्ट इधर से एक लिंक क्रिएट होता था, बट अभी ऐसा नहीं हो रहा है। इसके लिए मैं आपको बोला हूँ पूरा वीडियो देखिए। इसके लिए गाइस इधर आपको एक मोबाइल नंबर की भी जरूरत पड़ने वाला है। चलो फटाफट मैं अपना एक मोबाइल नंबर इधर फिल कर देता हूँ। तो गाइस जैसे ही मैं एक अपना मोबाइल नंबर फिल किया, उसके बाद आपको ईमेल आईडी की जरूरत पड़ेगा। ईमेल आईडी डालने के बाद गाइस इधर आप कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। गाइस जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, जिसमें गाइस आप जो मोबाइल नंबर डाले हैं उस मोबाइल नंबर पर भी एक मैसेज चला गया होगा, साथ में जो आप मेल आईडी डाले हैं उस मेल आईडी पर भी एक लिंक चला गया होगा। तो उसके बाद इधर एक कॉपी का भी एक ऑप्शन आपको मिल चुका है, तो आप इधर से कॉपी भी इस लिंक को कर सकते हैं, जो कि एक लिंक आपके सामने तैयार हो चुका है। चलो फाइनली मैं इस लिंक को कॉपी कर लेता हूँ। तो गाइस देख पाए हमको पेज वेबसाइट का एक मैसेज ही आ चुका है। चलो फाइनली मैं इस मैसेज पर ही अभी क्लिक करके आगे की तरफ बढ़ जाता हूँ। चलो फाइनली मैं इसको गो होम पर क्लिक कर देता हूँ। तो गाइस फाइनली मैं गो होम पे क्लिक कर दिया। उसके बाद हम अभी चलता हूँ मैसेज के ऊपर। सो गाइस आप देखेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का मैसेज आएगा, जिसमें गाइस आप ये आप जो लिंक देख रहे हैं इसी लिंक पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। चलो फाइनली मैं इस लिंक पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद गाइस आपको इस लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको फाइनली ये लेके जाएगा ब्राउजर के ऊपर, यानी गूगल ब्राउजर में। तो फाइनली मैं ब्राउजर में आने के बाद देखें, सो गाइस जैसे आप गूगल क्रोम में आएंगे तो गूगल क्रोम में आने के बाद गाइस इधर देख पाएंगे एक ऑप्शन आपको मिलेगा, जितना अमाउंट आप ट्रांसफर किए रहेंगे उतना आपको दिख रहेगा 100 रुपीज। उसके बाद गाइस इधर देख पाएंगे आपका नाम जो रहेगा, इधर नाम आपको एक बार मेंशन करना पड़ेगा, जो कि ऑलरेडी मैं इधर नाम मेंशन कर दिया हूँ। उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर, उसके बाद आपका मेल आईडी इधर शो हो जाएगा। उसके बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। चलो फिर मैं कंटिन्यू पर क्लिक करता हूँ। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद गाइस इधर आपको एक ऑप्शन मिलेगा यूपीआई का, तो फिर आप इस यूपीआई पर क्लिक कर दीजिए। यूपीआई पर क्लिक करने के बाद आपका जो ईपी लेटर अकाउंट का जो यूपीआई आईडी है इधर आपको फिल करना पड़ेगा। चलो फटाफट मैं यूपीआई आईडी डाल देता हूँ ईपी लेटर अकाउंट का। सो गाइस फाइनली मैं अपना ईपी लेटर अकाउंट का जो मेरा यूपीआई आईडी था वो मैं डालती हूँ। उसके बाद गाइस फाइनली पे पे क्लिक कर दीजिए। तो पे पे क्लिक करते ही आपके ईपी अकाउंट पर, आपके ईपी लेटर अकाउंट में आपको जाना पड़ेगा। चलो फाइनली अभी चलता हूँ ईपी लेटर अकाउंट में। सो गाइस मैं फाइनली आ चुका हूँ ईपी लेटर अकाउंट में। ईपी लेटर अकाउंट में आने के बाद फाइनली आप यूपीआई पे क्लिक कर दीजिए। चलो फाइनली मैं यूपीआई पे क्लिक करता हूँ। यूपीआई पे क्लिक करने के बाद गाइस इधर आपको देखेंगे एक ऑप्शन आपको मिलेगा यूपीआई रिक्वेस्ट का, तो फाइनली आप यूपीआई रिक्वेस्ट पर आप क्लिक कर दीजिए। चलो फाइनली मैं यूपीआई रिक्वेस्ट पर क्लिक करता हूँ। सो गाइस जैसे आप यूपीआई पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे इधर आपको एक ऑप्शन लिंक बन के आया रहेगा, जो कि इधर आपको एक ऑप्शन मिलेगा फाइनली पे का, तो फाइनली आप पे पे क्लिक कर दीजिए। पे पे क्लिक करने के बाद आपका जो भी यूपीआई आईडी यानी ईपी लेटर का जो यूपीआई आईडी यानी पासवर्ड है, एमपिन है, वो एमपिन इधर आपको डालना पड़ेगा। चलो फाइनली भी इधर से एक एमपिन डाल देता हूँ। तो गाइस जैसे आप एमपिन डालेंगे तो आपको कुछ सेकेंड आपको वेट करना पड़ेगा, और वेट होते ही आप इधर देख पाएंगे आपका फाइनली पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है, यानी थोड़ा अपडेट किया गया है पेज वेबसाइट को, बट अभी फाइनली ट्रांजेक्शन जो है ये कंप्लीट आपका हो जाएगा, यानी अभी ये पेमेंट आपको बैंक अकाउंट में चला गया है।
गाइज मैं बता दूं कि ये आपको 12 यानी आज जो 12 बजे रात से पहले जब आप ट्रांजेक्शन करेंगे तो आपको कल 12 बजे दिन यानी 12 घंटा का टाइम मिलता है बीच में ये, उसके बाद आपके बैंक में सेटलमेंट कर देता है। जब आप ई पी एल अकाउंट को बैलेंस आप ट्रांसफर कर लिए हैं तो उसके बाद फाइनली आप इधर देखें, फिर से आपको ई पी एल अकाउंट में आना है, उसके पे पे आप क्लिक कर दीजिए क्योंकि अभी आपको क्रेडिट कार्ड का भी इधर आपको यूज करना है। तो फाइनली मैं पे पे क्लिक करता हूँ। पे पे क्लिक करने के बाद फाइनली का इसके बाद देखेंगे एक ऑप्शन फिर से मिलेगा पे का, तो फाइनली आप पे पे क्लिक कर दीजिए। चलो पे पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद इधर एक ऑप्शन मिलेगा आपको वैलेट का, तो फाइनली आप इस वैलेट पे भी क्लिक कर दीजिए। उसके बाद फाइनली आप वॉलेट पे क्लिक करने के बाद आपको माइक पेमेंट पे क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद कई तरह का ऑप्शन आपको मिलेगा पेटीएम का, तो फाइनली आप पे सिक्योरली पेटीएम पे क्लिक कर दीजिए। तो फाइनली पे सिक्योरली पेटीएम पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद गाइस इधर आपको जो भी पेटीएम वॉलेट से आपको क्रेडिट कार्ड का मनी ट्रांसफर करना है इसके लिए आपको एक पेटीएम का सहारा लेना पड़ता है, तो आपको एक वॉलेट आप क्रिएट करना ही पड़ेगा जो कि मिनी केवाईसी हो या फुल केवाईसी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप जो एक वॉलेट क्रिएट कर लीजिएगा। तो फाइनली मैं प्रोसेस पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद गाइस आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, यानी फिर से आपको क्योंकि पेटीएम वॉलेट में आपको जाना पड़ेगा, उधर आप क्रेडिट कार्ड का एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा। चलो फाइनली वेट कर लेते हैं। सो गाइस फाइनली हमको पेटीएम की तरफ से एक ओटीपी आ चुका है, तो गाइस चलो फटाफट मैं ओटीपी इधर फिल कर देता हूँ। गाइस उसके बाद आपको वेरीफाई पर क्लिक करना पड़ेगा ओटीपी डालते हुए। उसके बाद गाइस इधर देख पाएंगे आपके अगर पेटीएम बैलेंस यानी वॉलेट बैलेंस रहेगा, तो इधर आप देखें मेरे वॉलेट में जीरो बैलेंस है, हमको जीरो दिख रहा है। उसके बाद गाइस आप देखेंगे आप इधर से गाइस उसके बाद आप नीचे में क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन मिलता है, तो इधर से आप क्रेडिट कार्ड का अटैच करके आप इधर से पेमेंट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, जरूर वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और इसी तरह के वीडियो प्राप्त करने के लिए जरूर चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा।